हम आपको नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, ये आपने सरप्राइज है। अभी हम लोग निकले हैं कहाँ से, अपने घर से, अपने घर से निकले, ई रिक्शा लगा हुआ है और एक भाई आगे भी बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन है, कितने बजे की? 10:30 बजे। 10:30 बजे की स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपने सरप्राइज है, बने रहिए स्टेशन पे मिलते आपको। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो सडनली प्लान बना भाई, हम जो ट्रेन से जा रहे हैं वो है दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 14041, पीछे ही लगी हुई है हमारे, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई टिकट नहीं, एक एक जानकारी आपको बताएंगे कि कम से कम बजट में आप कैसे हरिद्वार पहुंच सकते हैं दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अभी हम लोग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, टिकट की प्राइस कब क्लो से लो बजट में हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अभी हमने जनरल की टिकट खरीदी जिसकी टिकट प्राइस पड़ी 110 रुपये, जी हाँ, ये रात को 10:40 बजे से चलती ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में और सुबह आपको हरिद्वार पहुँचा देगी 6:40 पर। और आप हम जितना भी कम से कम लो बजट में कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी तो बैठे हुए बाहर, बस आप वीडियो बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। देख सकते हैं भाई जनरल में अभी यहाँ पे तो लगी है, ज़्यादा भीड़ है नहीं। मेरी सीट कहाँ पे है, जय गंगा भैया, जय गंगा भैया। देख सकते हैं हम लोग आज बैठ चुके हैं, यहाँ पे सीट मिल गई है, यहाँ तो भीड़ नहीं है, हमारे चलते भीड़ होती है, भाग क्या है काफी, ये तो ये ज्यादा भाग क्या है, ये भी भाई साहब भाग क्या है, तो बस क्योंकि बीच में उतरोगे नहीं मिला। अब चलिए अपने सफर की करते हैं शुरुआत, अभी ट्रेन खुली नहीं है, जय गंगा मैया। अब मिलते हैं आपको हरिद्वार, बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको कैसे कैसे लोग जगह सबसे ज्यादा अमेजिंग और एक्सपीरियंस। अभी हमारी ट्रेन गाजियाबाद पहुंचने वाली है, हम बोर हो रहे थे सोचा लूडो खेलते हैं। देख सकते हैं भाई भीड़ अभी तो नहीं है, पर धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ जाएगी जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी। ये है भाई अपने जनरल डिब्बे का हाल, अभी ज़्यादा भरी नहीं है, लो बजट में ट्रैवल करेंगे, पूरा लो बजट को बताएंगे कैसे आप एक बार घूम सकते हैं खर्चे में अपन होके आते हैं जी। अपन एक बार कानपुर से दिल्ली से कानपुर गए ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ वॉस 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ पर पर्सन, 50 रुपये में दिल्ली से कानपुर गए। बस आप वीडियो में लेंगे दिखाएंगे कि आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, अभी तो बस 110 रुपये का खर्चा है टिकट का, वो भी जनरल की टिकट का। हाँ बट अपन कैसा लग रहा है आपको, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने, गंगा स्नान, नींद आ रही है, बैठे हैं सही से, देख सकते हैं भीड़ में बैठे हुए हैं, जगह बना के अपनी, आपको हाँ आपका तो मतलब वो है एक्सपीरियंस है जनरल में सफ़र करने का, थोड़ा थोड़ा चलिए सो जाइए, मिलते हैं सुबह, जय गंगा मैया। कौन सा स्टेशन था ये, गजरौल। अभी ट्रेन हमारी जस्ट गजरौल से चली है, यहाँ पे इसका इंजन बदला गया है, अब ये उल्टी साइड जा रही है, कम से कम यहाँ आधा घंटा रुकी थी, यहाँ से चल चुकी है। रात के कितने बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है,
पर यार थोड़ी थोड़ी हल्की सी आ रही है, मैं सोने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं भीड़, कुछ लोग सो रहे हैं, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ सुबह। ये बहुत खराब है यार, घर की पूरी बंद नहीं होती है, तुम्हारा तो कितने साल बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवभूमि हरिद्वार में। हमारी ट्रेन ने टाइमली पहुंचा दिया 6:15 पे। ये ट्रेन का रूट बता दूं आपको कि ये जा रही थी बिजनौर और मंडी से लक्सर होते हुए, ये मेरठ वाले रास्ते से नहीं है, फिर भी इसने टाइमली पहुंचा दिया। और मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आप जनरल से आते तो एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें भीड़ भी नहीं ज़्यादा थी और टिकट भी 110 रुपये था, और इस ट्रेन ने हमें 6:15 पे टाइमली पहुँचा दिया। तो अभी सुबह सुबह देख सकते हैं मैं देवभूमि हरिद्वार में हूँ। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपने देखा कि कैसे मैं ओल्ड दिल्ली से हरिद्वार आया, कितने रुपए में आया। अब यहाँ से दूसरा पार्ट चालू होगा कि हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरा टूर एंड गाइड आपको देंगे लो बजट में। आप बस वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए सफ़र करते हैं, हर हर गंगे, जय गंगा मैया।